हाय एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है शिवदीप बामन राव, जो कि 2006 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के अकोला जिले के परसा गांव में हुआ था। इनके पिता एक गरीब किसान थे। शिवदीप दो भाइयों में सबसे बड़े हैं। शिवदीप के माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उनकी माँ साध्वी व पिता हाई स्कूल फेल हैं। उनके पिता ने हाई स्कूल में 3 बार फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और खेती किसानी में लग गए। शिवदीप की परवरिश बेहद मुश्किल हालातों में हुई। परिवार की आर्थिक हालत तो खराब थी ही, कोई पढ़ा लिखा ना होने से उन्हें रास्ता दिखाने वाले लोग भी नहीं थे। शिवदीप पढ़ने में बहुत तेज थे। स्कॉलरशिप की मदद से शिवदीप ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई में रहकर यूपीएससी की तैयारी की, जिसके बाद उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। वह बिहार कैडर के आईपीएस चुने गए। वह इस समय डीआईजी हैं। शिवदीप जितने कड़क पुलिस ऑफिसर माने जाते हैं, उतने दयालु भी हैं। नौकरी पाने के बाद वह अपनी सैलरी का 60% भाग एनजीओ को दान में देते थे, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई व उनके रहने खाने की व्यवस्था होती थी। शादी होने के बाद जब खर्च कुछ बढ़ गया, उसके बाद भी वह सैलरी का 30-35% भाग दान देते हैं। इसके अलावा कई सोशल वर्क्स में भी योगदान करते हैं। उन्होंने कई गरीब लड़कियों की शादी भी करवाई है। शिवदीप की पहली पोस्टिंग मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके जमालपुर में हुई थी। बिहार की राजधानी पटना के एसपी के तौर पर अपनी अनोखी कार्यशैली की वजह से शिवदीप पूरे देश में मशहूर हो गए हैं। शिवदीप की कार्यशैली से अपराधियों की रूह कांपती है। बिहार कैडर के एसपी शिवदीप बामन वापस अपने गृह राज्य महाराष्ट्र जा चुके हैं। उनका ट्रांसफर हो गया है। बिहार में मातम मना था। मातम उनके दिलों में भी था, जिनका बिहार से कोई लेना देना नहीं है, पर काम की रिस्पेक्ट करना वे जानते थे। शिवदीप बस एक पुलिस ऑफिसर नहीं है, बल्कि कहानियों के पात्र हैं। वैसे अफसर जिनके बारे में जनता बस कल्पना करती थी, सामने ऐसा इंसान देखना अजूबा सा लगता है। शिवदीप कहते हैं कि बचपन से ही मुझे कुछ अलग हटकर करने का जुनून था। अत्यंत अभाव था घर में, पर वो मजबूरियां भी कभी मेरे पैरों की बेड़ियां बनने में सफलता नहीं पा सकीं। महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी और फिर IRS का पदभार भी मुझे बहुत दिनों तक रोक नहीं पाया। 2006 में IPS की सफलता और फिर बिहार को बतौर राज्य मिलना मेरे जीवन का लक्ष्य तय करने वाला था। बिहार ने मुझे इन 8 वर्षों की नियुक्ति में बहुत सारी यादें संजोने को दी हैं। मुंगेर से तवाले के बाद 6 किलोमीटर तक फूलों से विदा करना, भीषण ठंड में पटना से मेरे तबादला में लोगों की भूख हड़ताल, अररिया से तबादले पर 48 घंटों तक लोगों ने मुझे जिले से बाहर तक नहीं जाने दिया, रोहतास में पत्थर माफियाओं के खिलाफ मेरी मुहिम में सबका साथ और अनेकों मौकों पर सबका मेरे साथ खड़ा होना शायद हमेशा के लिए मेरे दिल में रहेगा। अनेकों बार मुझ पर जानलेवा हमले हुए, लेकिन फिर भी अगर मुझे बिहार की रक्षा में अपनी जान भी देनी होती तो शायद बहुत कम होता। शिवदीप की कहानी सीधा बॉलीवुड की फिल्मों सी लगती है। ना जाने कितनी फिल्मों में ऐसे पात्र रचे गए हैं। जब शिवदीप पटना आए थे, तब शहर गुंडों से त्रस्त था। तमंचे वाले तो थे ही, शरीफ गुंडे भी थे, दवाई वाले जो बंदूक नहीं रखते थे पर दवाइयों का अकाल पड़ा देते थे। ब्लैक मार्केटिंग और दारू की दुकानें जरूरत से ज़्यादा खुल गई थी। बिना लाइसेंस के 10 महीनों में शिवदीप ने शहर को रास्ते पर ला दिया, और ये सब कुछ स्टाइल में होता था। ये नहीं कि पुलिस गई और गिरफ्तार करके लाई, नए तरीके आजमाए जाते थे। कभी कभी शिवदीप बहरूपिया बनकर उन्हें पकड़ने जाते थे। अभी फेसबुक पर इनके 60,000 फॉलोअर्स हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं
कि शिवदीप अपनी सैलरी का 50% बच्चों की पढ़ाई में देते हैं। दोस्तों, इनकी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अगर कुछ जीवन में पाना है तो आज मेहनत करना बहुत आवश्यक है। आपका आज का बहाया गया पसीना कल आपको सोने में बदल कर मिलेगा। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ इस स्टोरी से सीखा होगा और आगे आने वाले वीडियोस का आप भी बहुत ही एक्सट्रीमली वेट कर रहे होंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाली स्टोरीज नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको क्लिक करके उन सारी स्टोरीज को भी वॉच कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड शेयर दीज वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, और आप उन्हें भी बता सकते हैं और उन लोगों को भी इस लिंक को शेयर करके ये वीडियो देखने के लिए कह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।